नमस्कार, मैं सुशील पाल और एनपीटीवी इंडिया के खास शो इतिहास के पन्नों में आज बात शास्त्री और मोरारजी की। बात तब की जब नेहरू के कहने पर शास्त्री और मोरारजी जैसे नेताओं ने कुर्सी छोड़ दी थी। साल 1963, संसद का सत्र समाप्त हो चुका था और संसद सत्र समाप्ति के बाद मई या जून महीने में जवाहरलाल नेहरू कश्मीर गए। वहाँ बीजू पटनायक से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में पटनायक ने जवाहरलाल नेहरू को एक योजना सुझाई जो बाद में कामराज योजना के नाम से मशहूर हो गई। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपनी जीवनी में लिखी है। आपको बता दें कि कामराज योजना के तहत जिन नेताओं को सरकार से हटाकर पार्टी के कामों में लगाया गया उनमें बीजू पटनायक और मोरारजी देसाई भी शामिल थे। सन 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय के बाद ये धारणा बन रही थी कि जनता के बीच कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा है, इसलिए फिर से जनता से कांग्रेस को मजबूती से जोड़ने के लिए कुछ बड़े नेताओं को संगठन के काम में लगाने का निर्णय हुआ था। फिर मूल योजना बनाई गई कि 2-3 मुख्यमंत्रियों और राज्यों के कुछ मंत्रियों को उनके पदों से हटाया जाए, पर बाद में उस सूची में 6 केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी जोड़ दिए गए। हटाए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, एसके पाटिल, जगजीवन राम और गोपाल रेड्डी जैसे नेताएं शामिल थे। जिन मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा लिया गया उनमें कामराज मद्रास, बीआर मंडलोई मध्य प्रदेश, विनोदानंद झा बिहार, चंद्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश शामिल थे। इसके साथ ही एक अनोखी राजनीतिक घटना उस दौर में हुई जिसकी कल्पना आज के राजनीतिक हालात में की भी नहीं जा सकती। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गुलाम मोहम्मद बख्शी कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, यानी वे कांग्रेस में नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि चूंकि इस योजना के तहत किसी मुसलमान नेता का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं ताकि देश में अच्छा संदेश जाए, और इसी के साथ वे कांग्रेस में शामिल भी हो गए। उधर चंद्रभानु गुप्त मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा नहीं भेज रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्हें सत्ता मिली थी। इस योजना के संबंध में मोरारजी देसाई से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर देसाई ने कहा कि मुझे इस्तीफा देकर खुशी होगी, किंतु आप चंद्रभानु गुप्त से इस्तीफा ना लें क्योंकि इससे लोगों को लगेगा क्योंकि आप उन्हें नापसंद करते हैं, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। इसलिए इस पर थोड़ा और सोचें, पर गुप्त जी को अंततः जाना ही पड़ा। उसी दौरान मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच एक दिन बातचीत हुई। शास्त्री जी ने मोरारजी देसाई से कहा कि मैंने स्वयं ही पद मुक्त होने का आग्रह किया है, इसलिए मैं तो मुक्त होऊंगा ही, पर आपको इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर ये योजना लागू नहीं होनी चाहिए। मोरारजी देसाई के अनुसार दूसरे दिन जवाहरलाल ने मुझे बुलाकर इस बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जब मैं और आप दो ही वरिष्ठ बच रहे हैं जिनमें से एक तो जाना ही चाहिए, मैं पद से ना हटूं ऐसा सबका आग्रह है, इसलिए मुझे लगता है कि संगठन के काम के लिए आपको ही पदमुक्त करना चाहिए। और आखिर मोरारजी मुक्त हो गए। कामराज योजना के लागू होने के बाद सबसे पहला आम चुनाव सन 1967 में हुआ। उस समय तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। कुछ हलकों में ये उम्मीद की गई थी कि कामराज योजना से कांग्रेस को चुनाव लाभ मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और जिन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इस योजना के तहत हटाया गया था उनमें भी सन 1967 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से हट गई। वैसे कुल 9 राज्यों में तब कांग्रेस हार गई थी। राज्य स्तर पर कांग्रेस की आज़ादी के बाद की ये पहली बड़ी हार थी। उससे पहले सिर्फ केरल में कांग्रेस की चुनावी पराजय हुई थी। कुल मिलाकर लोकसभा में भी कांग्रेस का बहुमत सन 1962 के मुकाबले घट गया था, यानी बड़े नेताओं को सत्ता से हटाकर संगठन के कामों में लगाने का भी कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस को उस समय भी नहीं मिला था क्योंकि अन्य कोई कारणों से आम लोग कांग्रेस से नाराज थे।